सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस ना करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर नंदी कैसे बने भगवान शिव के गण, तो आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए शीलाद ऋषि को यह भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का निर्णय किया। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शीलाद ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। शीलाद ऋषि की कठोर तपस्या की वजह से भगवान शिव स्वयं उनके सामने उपस्थित हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। शीलाद ऋषि ने उनसे कहा कि वह एक पुत्र की कामना रखते हैं। भगवान शिव ने उनसे कहा कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले ही दिन खेती करने के लिए शीलाद ऋषि खेत पर पहुंचे, जहां उन्हें एक खूबसूरत नवजात शिशु मिला। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यही तुम्हारी संतान है, इसका अच्छी तरह पालन पोषण करना। शीलाद ऋषि उस बच्चे को लेकर अपने आश्रम लौट आए और उसे बेहद प्रेम और स्नेह के साथ पालने लगे। इस बच्चे का नाम उन्होंने नंदी रखा, जो बचपन से ही आध्यात्मिक और अपने पिता का आदर करने वाला था। कुछ सालों बाद शीलाद ऋषि के आश्रम में दो संत पधारे, जिनका नाम था मित्र और वरुण। शीलाद ऋषि ने अच्छी तरह उनकी आवभगत की और उन्हें पेट भर कर भोजन करवाया। नंदी ने भी अपने पिता के कहने पर उन संतों का खूब ध्यान रखा। ऋषियों के प्रस्थान करने से पहले शीलाद ऋषि और नंदी ने उनका आशीर्वाद लिया। जब शीलाद ऋषि ने उन साधुओं को प्रणाम किया तो उन दोनों ऋषियों ने उन्हें लंबे और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नंदी ने साधुओं के चरण स्पर्श किए तो दोनों ही साधु परेशान हो गए। शीलाद ने उन साधुओं से पूछा कि उन्होंने नंदी को लंबी उम्र का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। मित्र और वरुण ने शीलाद ऋषि को बताया कि नंदी अल्पायु है। यह बात सुनकर शीलाद ऋषि चिंतित हो गए। आश्रम लौटते ही नंदी ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा तो शीलाद ऋषि ने सब कुछ सच सच बता दिया। नंदी ने जैसे ही सुना कि वो अल्पायु है, वह हंसने लगा। उसने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, इसलिए मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। इतना कहते ही अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर नंदी भुवन नदी के किनारे तप करने चला गया। नंदी का तप इतना कठोर और मजबूत था कि भगवान शिव को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा कि हे प्रभु, मैं सारी उम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपना वाहन, अपना दोस्त और अपने गण के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।